क्रांति का मिसाल और हुल विद्रोह जिस तेवर के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ा उन्हें सभी महापुरुषों को विशेषकर सिद्धू कान्हू जी को नमन करते हुए अत जरूरत है पूरे नए पीढ़ी से लेकर तमाम लोगों में उस क्रांति को बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये केवल नारा में ना रह जाए, ये हकीकत की बात है। ऐसे नहीं कि हम आज यहाँ नारा लगाएंगे और हम ही कल घर को उजाड़ने का प्रयास करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। आज इनको संकल्प लेने की ज़रूरत है, हर एक नेताओं को, हर एक लोगों को जो माल्यार्पण करना करते हैं उनको संकल्प लेने की जरूरत है, कसम खाने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जो झारखंड का जल जंगल जमीन को नुकसान हो, और नेताओं में एक संकल्पित होने चाहिए और उसमें एक ईमानदारी के साथ में इस प्रदेश के लिए जल जंगल जमीन का प्रदेश जो झारखंड में जो देश में पूरा एक इसकी अलग एक पहचान है इसको बचाए रखने के लिए ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। केवल नारा और स्लोगन से होता नहीं। आज जो चीज़ों को देखा जाता है कि हम सब चीज़ को नारा और स्लोगन नहीं दे करके हम उसको जो आंदोलन करते हैं जो लड़ते हैं ठीक है, ये सब होना ही चाहिए। यहाँ के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुर्बानी देने के लिए भी, शहीद होने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तब क्या है कि आज ज़रूरत है जिस तरह से जिसके हम जिन लोगों ने उस युग में जो लड़ा, आज ये आधुनिक युग में हम जो लड़ रहे हैं हमें ईमानदारी से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए ताकि ये जल जंगल जमीन की हम रक्षा कर सकें। एक क्रांति का मिसाल और हुल विद्रोह जिस तेवर के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ा उन्हें सभी महापुरुषों को विशेषकर सिद्धू कान्हू जी को नमन करते हुए अत जरूरत है पूरे नए पीढ़ी से लेकर तमाम लोगों में उस क्रांति को बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये केवल नारा में ना रह जाए, ये हकीकत की बात है। ऐसे नहीं कि हम आज यहाँ नारा लगाएंगे और हम ही कल घर को उजाड़ने का प्रयास करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। आज इनको संकल्प लेने की ज़रूरत है, हर एक नेताओं को, हर एक लोगों को जो माल्यार्पण करना करते हैं उनको संकल्प लेने की जरूरत है, कसम खाने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जो झारखंड का जल जंगल जमीन को नुकसान हो, और नेताओं में एक संकल्पित होने चाहिए और उसमें एक ईमानदारी के साथ में इस प्रदेश के लिए जल जंगल जमीन का प्रदेश जो झारखंड में जो देश में पूरा एक इसकी अलग एक पहचान है इसको बचाए रखने के लिए ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। केवल नारा और स्लोगन से होता नहीं। आज जो चीज़ों को देखा जाता है कि हम सब चीज़ को नारा और स्लोगन नहीं दे करके हम उसको जो आंदोलन करते हैं जो लड़ते हैं ठीक है, ये सब होना ही चाहिए। यहाँ के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुर्बानी देने के लिए भी, शहीद होने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तब क्या है कि आज ज़रूरत है जिस तरह से जिसके हम जिन लोगों ने उस युग में जो लड़ा, आज ये आधुनिक युग में हम जो लड़ रहे हैं हमें ईमानदारी से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए ताकि ये जल जंगल जमीन की हम रक्षा कर सकें।